इसको मैं लेके सोई थी अपने पास, पर ये सो नहीं रही थी। किसकी नजर लग गई? बेटू को देखना सर, बहुत गर्म हो रहा है। और क्या गर्म हो रही है? बॉश बॉश, मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रही है। तो अभी डॉक्टर ने चेक किया, दवाई दी है। मैंने जैद को इतनी दवाइयाँ दी है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और अभी जो है दिन का समय हो रहा है, 10:30 बज रहे हैं, और मैं और गोलू जो है सुबह से उठे नहीं, जब से चीकू को स्कूल भेजा। और मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं फिलहाल जा रही हूँ शावर करने। शावर से पहले ना मैं चाय पीना चाहती हूँ, क्योंकि सर बहुत ज्यादा फट रहा है। और चाय पीने के बाद फिर मैं शावर लूंगी और हम निकलेंगे चीकू के फंक्शन के लिए, क्योंकि आज है चीकू का एनुअल डे फंक्शन और वो बहुत ज्यादा खुश है। उसको सुबह सुबह उसका जो फंक्शन का यूनिफॉर्म है वो पहना के भेजा है, साथ में उसको कपड़े कैरी करके भेजे हैं, और पार्टी लंच दिया है साथ में आज को। बस अभी जो है गोलू जो यहाँ पे अयान के साथ फुल ऑन मस्ती कर रही है, और अयान भी जो है अपनी माँ के साथ मस्ती गल्ला है। हेलो माँ के, हेलो कर दो अयान। क्लैपिंग अयान, जाओ कॉल करो। कॉल नहीं, क्रॉल। बच्चों को बोला पर हमें कॉल सुनाई दे रहा ना। थोड़ा सा कोशिश करो। कर रहा है, कर रहा है। वेरी गुड। मोटे कपड़े ना पहले। मोटे कपड़े की वजह से नहीं चल पा रहा है। कोई बात नहीं, नींद भी पूरी हुई है, फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है, सर बहुत ज्यादा फट रहा है। और आप लोग बोलते हो कि शायद माइग्रेन की प्रॉब्लम ना हो गई हो, तो मैंने सारे टेस्ट कराए थे, ऐसा कुछ नहीं है। और MRI कराना जरूरी है, तो MRI एक बार करा लूंगा, चेक करवा लूंगी। गोलू का भी सर में दर्द बहुत हो जाता है, मेरा भी हो जाता है प्रेगनेंसी के बाद। तो बस गाइस, हम नहा धो के रेडी हो गया, बहुत जल्दी जल्दी नहाए हैं क्योंकि टाइम हो गया है पूरा, 12:30 हो गया, हमें 12 बजे पहुंचना था। गोलू जल्दी चलो, उसकी परफॉर्मेंस निकल गई ना तो गुस्सा हो जाएगा वो। तो भैया हमेशा मेरे साथ ना इंसाफी होती है। अभी चीकू की परफॉर्मेंस है और स्कूल वाले ने 2 टिकटें दी और मेरे से पहले दोनों तैयार हो गए हैं। क्या मतलब है ये? हम जा रहे हैं बेटा, देखो अगर हम नहीं जाएंगे ना चीकू गुस्सा हो जाएगा। तो गाइस फाइनली चीकू का फंक्शन हो गया और हमने उसकी परफॉर्मेंस को वहाँ पे बहुत ही प्यार से देखा, पर उसने हमें नहीं देखा। मतलब उसे पता नहीं चला मम्मी आई है कि नहीं आई है, पर मम्मियाँ दोनों पहुंची हुई थी। तो अब हम लोग पहुंच रहे हैं ऊपर, थक गई हूँ बहुत ज्यादा। थकी क्यों? क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही 4-5 दिन से। तो मैं ये सोच रही हूँ 1-1.5 घंटा सो जाऊँ, सोने के बाद जो है चीकू के पापा के साथ जिस प्रोग्राम में जाना उसके बाद, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश अप लगेगा ना, तभी हम प्रोग्राम को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फिर अभी मैं और गोलू सोच रहे हैं आधा आधा घंटा, ये बासी ले रही है, नींद आ रही है सर में भी, आधा आधा घंटा सो जाए और आंख बंद कर ले जिससे आंखों को आराम मिले। रात के 12 बजे और मैं सो गया था, मतलब पूरे घर वाले ही सो गए थे। तो अभी गोलू उठी और गोलू ने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है थोड़ी सी, कुछ खा लेता हूँ उसके बाद लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल। हाँ पता है क्या, उसको 2 दिन पहले वैक्सीनेशन हुई थी, तो डॉक्टर ने कहा था हल्का बहुत फीवर आता है, पर फीवर आता है ना 1 दिन के लिए आता है, पर इसको तो 2 दिन हो गए, और 2 दिन के अंदर मैंने इसको दवाई दी सुबह 8 बजे। पर मैं नहीं चाहती ना बच्चा दवाई लेते रहे, डॉक्टरों का कंसर्न कर लेती हूँ। उबल रही है। हाँ और क्या, गर्म हो रही है। तो सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि क्या बताएं। ये देखो चीकू क्या लेके घूम रहे चीकू, ये है गदा। गदा, हाँ जी। आज हम दंगल में गए थे, वहाँ पे उन्होंने मुझे सम्मानित किया था और बहुत अच्छा लगा। चीकू ऐसा लग रहा है छोटे बजरंगबली जी लग रहे हो, पता है? छोटे थे ना बजरंगबली जी, वो आपकी तरह थे। अच्छा। बच्चों में वैसे भगवान का रूप होता है। आके ना देख रहे हैं हनुमान जी के पास है ना, क्या बोलते हैं इसको, बला बजरंगबली जी, हनुमान जी, गधा गधा। हाँ हाँ, मैं बोल नहीं पाता, पता नहीं क्यों। ये कंधे पे रख के नीचे बैठो और सिर झुकाओ। जय हो, जय श्री राम। चीकू आपको एक बात पता है? हाँ जी। हनुमान जी जब भी दुष्टों का संहार करते थे ना, तो श्री राम जी का नाम लेते थे। तो आपको देख एक दो बातें और बता देती हूँ। आपको पता है राम जी के सबसे बड़े जो भक्त थे ना, वो हनुमान जी थे। और हनुमान जी हमारे जो दिल होते हैं ना, हनुमान जी ने अपना दिल फाड़ा था ना, उसमें राम जी की तस्वीर थी। तो मतलब इतना ज्यादा प्यार करते थे वो राम जी से कि उनके मुंह से हमेशा राम निकलता था, राम 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 हमेशा। जब वो खाना खाते थे तब भी जय श्री राम जय श्री राम, जब दुष्टों का संहार करते तब भी जय श्री राम, जब उन्होंने पूरा पर्वत पार किया था ना सीता मैया से मिलने के लिए, उस टाइम भी जय श्री राम। और उन्होंने जब समुद्र में पत्थर रखे थे ना कि राम जी रास्ता टापचे, तब भी उस पे राम जी लिखा हुआ। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा कर इनके बारे में। ठीक है, ओके ओके। चीकू कह रहे पापा मुझे भी जाना साथ में, माला तू ऐसे ही चलेगा? कह रहा हाँ जी मैं ऐसे ही चलूंगा। किसकी रक्षा करेगा इससे, मम्मी की, पापा की, बहन की? बहन की, और बहन छोटी है ना। अच्छा बहन की और सबकी, सबकी। मेरा तो नाम मिल ले, सबकी बोला मैंने। तूबा को पूरा पैक कर दिया मेरी बेटी को, ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। गाड़ी में बैठो जब भी ठंड लगे। फोन तो छोड़ ही देती हूँ ना अपना, फोन का क्या करेंगे। हाँ, फाइल ले ली मैंने, चलो। कंबल वम्बल तो उड़ ले। किसको उड़ा? वो दीपाली उठ गई। पता है मुझे, अभी बात हुई थी मेरी। ठीक है, तू मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रही है। क्या हो रहा, डिली डुलू? क्या हुआ, आराम कर ले, थोड़े दिन से ना आराम नहीं कर पा रहे ना। तो अभी बॉडी रेस्टलेस हो गई है। हाँ, वो लक्ष्मी गिर गई थी अभी, उसको क्या हुआ? चक्कर खा के भाग गई थी। मेरी भी बॉडी रेस्टलेस हो रही है। 1:30 बजे आराम कर लो, 2-3 दिन ना ब्लॉग बंद करता हूँ, थोड़े दिन ना आराम कर लेते हैं ना।
जी है ना, क्या थोड़ी थकावट भी हो रही है क्योंकि हम लोग पहले उस पे थे ना, ट्रिप पे थे, फिर ट्रिप से आए, फिर ट्रिप पे थोड़ा मतलब हम वहाँ चले गए अपना गोल्डन टेम्पल, फिर हमने आपका बर्थडे का वो किया लंगर, बॉडी रेस्टलेस हो गई है। कर ले आराम कर ले, चलो चलो चीकू देखने चल जा रहे हैं पहले। ऐसे चीकू इसको रख दे बेटा, ऐसे नहीं करते रखो। मैं रक्षा के लिए होता है बहन की। ठीक है ले दो। ठीक चल। कुछ पहन आता कहा था तगड़वा चीकू, बहुत ठंड है और बहुत ठंड है, ऐसा लग रहा है जैसे जनवरी स्टार्ट हो गया है, बर्फ पड़ रही है। जनवरी होगी बस, अब दिन कितने रह गए, मैं कह रहा हूँ 15 दिन रह गए जनवरी समझ ले। यहाँ पे तो अपने इसलिए जनवरी है ना क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल पास में शिमला है ना, बोलो छत पे कोई रह नहीं सकता। आपके बर्थडे के बाद मैं एक बर्थडे का इंतजार करती हूँ। किसका? मम्मी का, 30 तारीख होता है ना, तो हमेशा दिसंबर को मम्मी का बर्थडे है तो हमेशा वेट करती हूँ। मतलब मेरे साथ क्या ना, पापा का बर्थडे का इतना वेट नहीं होता जितना मम्मी का होता है। बर्थडे याद है तेरे को? घर वालों की टोटल होंगे इसमें 50-60 बर्थडे याद है। उठी तो नहीं? नहीं नहीं उठी थी, मैंने इसको थाप दिया ऐसे। पापा हर जगह ना मैं गधा को लेके जाऊंगा। क्यों बेटा? क्योंकि हनुमान जी को लेके जाऊंगा ना मैं हर जगह। अच्छा, इसका मतलब है ये कहने का कि हनुमान जी भी अपने साथ यही लेके घूमते थे ना, तो मैं भी यही लेके घूमूंगा। कोई बात, आज आपको वीडियो कॉल करी थी, आपको पता है जब आप डांस कर रहे थे ना, एक साइड से मम्मा वीडियो बना रही थी, एक साइड से पायल ने वीडियो कॉल करी थी पापा को, पापा ने देखा सारा डांस, पूछो पापा कह रहे चीकू तो बहुत अच्छा डांस करते हैं, फुल एक्टिव होके बहुत अच्छा डांस कर रहा था चीकू। और मुझे ना ऐसा लग रहा था कि तेरी हाइट भी सबसे ज्यादा थी उन बच्चों में। हाँ जी, सबसे ज्यादा उम्र भी मेरी थी, सबसे ज्यादा हाइट भी मेरी थी। अच्छा, वापस आ रहे बात। तो मुझे ना डेट ना याद नहीं रहती, मुझे 2-4 डेट ही याद है अगर बात की जाए। एक 4 मार्च, एक 20 मार्च जो इनकी जन्मदिन की, उसके बाद बच्चों की डेट याद है जब बच्चे हुए थे, उसके गोलू को तो इतनी सारी चीजें याद है। गोलू कितने जन्मदिन याद है? मेरे को बताना स्टार्ट करूं? बता। ठीक है, सबसे पहले जनवरी से बात करते हैं। ठीक है, 1 जनवरी को आता है सीमा मासी का बर्थडे, 26 जनवरी को आता है सार्थक का, गोल्डी चाचू के बेटे का बर्थडे, 25 जनवरी को आती है कंचन मासी की शादी की सालगिरह, फरवरी में नहीं आता, मार्च के अंदर बात करते हैं, मार्च में पायल का 4 मार्च को, 20 मार्च को मेरा, 18 मार्च को भवानी का, अप्रैल की बात करते हैं 4 अप्रैल को पापा मम्मी की एनिवर्सरी, 6 अप्रैल को जैद का बर्थडे, 7 अप्रैल को कन्नू का बर्थडे, 18 अप्रैल को चीना का बर्थडे, मई में चीकू का बर्थडे, 5 मई को जून में 25 जून को गोल्डी चाचू का बर्थडे, जुलाई में 4 जुलाई को पापा का बर्थडे, जुलाई अगस्त में 22 अगस्त को पायल का फेक बर्थडे, और अगस्त के 6 अगस्त को मैंने आपसे शादी भी की थी वो भी है, अगस्त सितंबर 25 सितंबर को निक्की चाची का बर्थडे आता है, सूरज भैया कह रहे मेरा बर्थडे को नहीं बोले था कि जनवरी से स्टार्ट किया मेरा बर्थडे था, मैं भूल गया भैया, मेरे को स्टोरी लगाई थी मेरे बर्थडे की, आपको याद हो तो। मैं आपका बर्थडे भूल गई, सॉरी भैया। सब ये लगा लेंगे, इतने याद रख रखे इसने। आप भी ना कमेंट करके बताना कि आपको कितने बर्थडे है। भाई मेरा बर्थडे भूल गए, देख लो मेरा बर्थडे बोले, जबकि स्टोरी लगाई थी मेरे बर्थडे पे इन्होंने। 15 दिसंबर तो मेरा भी नहीं बोला, दिसंबर तक पहुंचे नहीं थे ना, उससे पहले इन्होंने बात कर ली। मेरे को तो एक ही याद है बस। क्या बेटा, कब आता है? 5 मई को। अच्छा, देखना तू बढ़ गया आपको। चीकू हॉस्पिटल में आ गया है और हमारे छोटे बजरंगबली जी लग रहे हैं क्योंकि बच्चों में भगवान का रूप होता है। और आज बात की जाए तो आज शनिवार है भाई लड़के जी, संडे है या शनिवार बता? संडे हो गया अब तो। अच्छा संडे हो गया। हाँ जी। चीकू के क्या कर रहे हो भाई? पापा इनका वो वेट चेक कर रहे हैं, 1.5 किलो के आसपास है। तो इनका वेट है 1 किलो 400 ग्राम। उनको मिलती थी नाम में गदाएं सोने की। तो अभी डॉक्टर ने चेक किया, दवाई दी है, दवाई लिखी है। तो एक बात मैं सोच रहा था, जब हम छोटे होते थे तो हमारे माता पिता भी हमारा ऐसा ही ध्यान रखते थे, पर आज की जनरेशन कहती है कि भाई तुमने हमारे लिए किया क्या है। तो कोई बात नहीं, जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनको एक एक ब्लॉग दिखाया करेंगे। रात के 2-2 बजे हम तुम्हें हॉस्पिटल में लेके घूमते थे, क्या बोलते हैं? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये बड़े होंगे, अगर हल्का सा भी सवाल जवाब किया तो आपके सामने बेटा ब्लॉग आ जाएगा। पर मुझे पता है कि बच्चे सवाल जवाब बिल्कुल नहीं करेंगे, ना करें। हाँ, मेरे साथ बदतमीजी करेगा ना कोई। हाँ। कोई बच्चा ब्लॉग दिखा दूंगा क्या बोलेगा कि मैं भी आता था हॉस्पिटल। हाँ, ये मोल देगी क्या है, क्यों मोल रहा है, तो दिखा दियो है ना जी को। हाँ, भाई देख लो तो भी चले घर चले बेटी। तो डॉक्टर ने ना डेरोलैक लिख के दी और टफ प्रो लिख के दी। जैसे लिखी ना डॉक्टर मुझे समझा रहे कि ऐसे देनी है, मैंने कहा मैम समझाओ मत। मैंने जैद को इतनी दवाइयाँ दी है इतनी, क्योंकि मेरे इतने हॉस्पिटल के चक्कर लगते थे, टच वुड अब कम हो गया, और किसी को भी हॉस्पिटल आना नहीं चाहिए किसी भी पेरेंट्स को। तो मेरे को सारी दवाइयाँ आपको पता सब याद है। क्या हुआ तू रो रही है बेटी? सड़क दिखा रही हूँ। अच्छा, पापा बुला रहे आपको, देखो पापा जी। देख 2 दिन से ना तूने अच्छे से शक्ल नहीं दिखाई बेटी, ब्लॉग में लोग बोले तू कहाँ गई।
चीकू कैसे कर रहा है, बहन ने करके दिखा लो। चीकू कल तो छुट्टी दे रही। हाँ जी। अब सर्दी आएगी, सर्दी की छुट्टी भी होगी फिर तो। आओ वैसे ना बहुत टाइम लगेगी। बड़ा वैसे ना बड़ा मुश्किल है। आपको पता है सुबह सुबह मैं और पाल उठे थे ना, हम कह रहे थे जितने भी बच्चे जाते ना स्कूल के उन सबको सल्यूट है। हम भी वैसे इस उम्र से निकले हैं, बट सच में चीकू स्कूल जाना पड़ा। सल्यूट नहीं गया जी? नहीं नहीं, आपको करो सल्यूट मेरे बच्चे। गुरु एक बात बता, हमें एक डेढ़ साल हो गए सोसाइटी कैसे चक्कर काटे। ज्यादा ही हो गया है ना। नहीं बीच में मैं तुमसे करवाता था जब बच्चे पेट में थे। पर अभी काम करते हैं ना, दोबारा से नियम बना देते। नियम बनाना ना आसान होता है, उसे फॉलो करना है भैया उसे फॉलो करना मुश्किल होता है। मैंने ना बीच में जिम करी थी अपने 15 दिन, उसके बाद बीच में 2-4 दिन का गैप है, फिर 12 दिन करी मैंने। यार ये तो बड़ा आसान। और फिर ना क्या होता है जब तुम अब जिम करो ना, कुछ भी चीज करो, मुझे आसान लगती है, बस 2-4 दिन दिक्कत आती है। तू बताएगी पूरी बात, तू बता दो बेटा। आसान लगता है थोड़ा गुस्सा हो गई मम्मी, आप नहीं गए मेरे साथ। तो मम्मा भी तबीयत खराब थी। मम्मा अब इसको मैं लेके सोई थी अपने पास, पर ये सो नहीं रही थी। नींद में ऐसे कर रही थी। हाँ जी तू भी क्या हुआ बेटी को, नजर लग गई काकी का मेरे हैं? किसकी नजर लग गई? बेटू को अभी डॉक्टर ने कहा है 2 दवाई दे देना, एक तो इसको फीवर की देना, और डॉक्टर ने भी बोला कि 2 दिन तक ना, 2 से 3 दिन तक हो सकता है फीवर। थोड़ी सी और लो लो। बाबू ये वाइप्स ला के दियो, थोड़ी सी और देनी है। कड़वी है दवाई? टोपी निकाल इसलिए। और कड़वी तो नहीं है, पीलेगी? पाउडर है ना, मीठी है, पर इसको पता है ना दवाई है। तो एक काम करूंगी, इसको ना चम्मच से तो पिएगी नहीं, प्रॉपर से पिएगी। मैं तो इसको टेस्ट करा रही हूँ। इनको पता चल चुका है, लाइट आ रही है ना कैमरे में, ड्रॉपर ला कर दियो ना। क्या नहीं भी ना, नहीं भी ना, टोपी निकाल दी। आते सर गर्म हो रहा है ना दांत, क्योंकि दांतों का भी दिक्कत हो रही है, गर्म रहता है सर, तो टोपी आते ही निकाल दी इसने। कोई बात नहीं, बाल तो आ गए थोड़े थोड़े ना। स्पाइक कल से चोटी कर दे। ये देखो स्पाइक खड़े हो रहे। तो व्हाट हैपेंड बुकालू? आयानो जात को वैक्सीनेशन लगवानी है, उस दिन इसको लगवा कर आई थी मैं। हाँ भाई को देख कैसे रही है। बच्चों कुछ हो जाता है ना, माँ बाप मर जाते हैं। देखना सर बहुत गर्म हो रहा है। बॉश बॉश एक इसकी किल कैरियर भी खिला देती हूँ। किल कैरियर शाम को देती है, अभी नहीं देने का, सुबह शाम देते हैं। चीकू चच्ची के साथ खड़ा हुई बराबर ही है भाई। कपड़े आ जाते निक्की के सारे तेरे को? चीकू निक्की चाची ने तेरे कपड़े पहन दिए आजकल पता है? नहीं पापा वो मम्मा ने दिए था अपना निक्की चाची को। अच्छा दो नहीं एक तो चीकू का था। बाहर घूमते हैं तो ऐसे कहते हैं बहन भाई छोटे, बिल्कुल बराबर के लगते हैं ना। सही है गुड्डू, है इंसान बड़ा होएगा पता ही नहीं लगेगा। तेरी भी उम्र नहीं बढ़ती। मेरी भी उम्र नहीं बढ़ती, जब से देख रहा हूँ तब से 35 की लगती है। और कितने की? 16 की। क्या कमेंट करके बता रहे हैं 16 की लगती है 35 की लगती है, और मेरी उम्र तो चलो पता लग ही गई है सबको। तो भैया यहाँ पर गोलू लेके आ गए पिन्निया, बहुत सारी पिन्निया है सिर्फ मेरे लिए। कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अरे बेटा घी से कभी फैट नहीं बढ़ता कभी भी। अच्छा। बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता ये। अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ये। मैंने ये नहीं बोला था इससे वेट बढ़ता है, मैंने कहा आपका वेट बढ़ रहा है। आज वेट चेक किया आपका वेट बढ़ गया 5 किलो। तो चीकू की एक तारीफ तो करनी पड़ेगी, जब हम वैष्णो देवी गए थे ना ये लड़का पूरे रास्ते पैदल चला था। अगर बात की जाए 5 से 10 मिनट घोड़े पे बैठा था, उसके बाद पैदल चला था सुबह तक। और जब सुबह सुबह हम दर्शन कर रहे थे ना, वहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड थी
और सोने के बाद जब मैंने इसको उठाना उस टाइम थोड़ा ढीला हो गया था तुम्हारा। उस टाइम पापा ने बहुत थका हुआ था उस टाइम, फिर भी पापा दर्शन करवा गए थे ना। तुम भी अपने बच्चों को लेके जाओगे ऐसे दर्शन कराने? हाँ जी। तो ब्लॉग देखा कर जब तुम छोटा बड़ा हो जाएगा। हाँ जी देखूंगा ब्लॉग अपना। तो भैया यहाँ पर चल रहा है फुल जोरों शोरों से काम, यहाँ पे अपलोडिंग चल रही है, यहाँ पे एडिटिंग चल रही है, यहाँ पे एडिटिंग चल रही है। तो भैया ये है हमारी शानदार टीम, क्या बात है। हाँ भाई इस पे क्यों नहीं कर रहा? तो इसलिए नहीं कर रहा, अभी इसकी इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा। इसकी स्पीड वगैरह, अब ये जो काफी ये है ना, हाँ। इसकी स्पीड थोड़ी कम है तो हमें वो वाला मंगाना पड़ेगा जिसकी स्पीड अच्छी हो। अच्छा महंगा है वो? हाँ अच्छा, क्योंकि अभी इतने बड़े सिस्टम के साथ में फिर ये हल्की चीजें काम थोड़ी करेंगी। तो भैया आज हमने ये लिया है बहुत ही बेहतरीन सिस्टम, थोड़ा सा हटाओ थोड़ा सा दिखाओ। ये अब तक का हमारे प्रोडक्शन का सबसे महंगा iMac है और इसको आने में हमें 2.5 महीने लग गए और ये हमने खुद असेंबल करवाया है। अगर बात की जाए तो ये है 2TB, 2TB बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ भाई हाँ जी, तो यहाँ पर ये गेमिंग वाला सेटअप हम ऊपर लेके जाने वाले हैं, तो आज से या फिर कल से गेमिंग किया करेंगे ऊपर, और यहाँ पे हम पूरा बच्चों का कर देंगे, बच्चे अपना सीट पर बैठा करेंगे और एडिटिंग किया करेंगे, ऐसे नहीं बैठना पड़ेगा इनको। तो गाइस आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, नमस्कार बाय बाय, ध्यान रखो और सेफ रहो।